एशिया प्रशांत श्रेणी में पहली जनवरी 2019 से शुरू हो रही 3 वर्ष की अवधि के लिए कल रात हुए मतदान में भारत को सर्वाधिक 188 वोट मिले। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिषद के नए सदस्यों के लिए चुनाव में गोपनीय मतदान के जरिए 18 नए सदस्य चुने गए। चुनाव के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत को सर्वाधिक वोट मिलना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति रेखांकित करता है। फिजी ने 187, बांग्लादेश ने 178 तथा बहरीन और फिलीपींस ने 165 वोट हासिल किए। 5 क्षेत्रीय श्रेणियों के सभी 18 देशों में भारत को सर्वाधिक मत मिले। इससे पहले भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 2011 से 2014 और 2014 से 2017 की अवधि के लिए चुना गया था। परिषद का गठन मानवाधिकार से संबंधित विषयों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था के रूप में मार्च 2006 में किया गया था। इसके तहत 47 निर्वाचित सदस्य आते हैं।